हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने मल्टीपल सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा था और मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा था। आज हम दोबारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस पे हमने ये पढ़ा था कि चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है मल्टीपल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि हमारे पास क्लास सी है, वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए और क्लास बी, ये क्या है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को। इसका हम कोड लिखा था, उस कोड को दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था कि पेरेंट क्लास डिफाइन की थी, फिर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था और पेरेंट क्लास को सी आउट करवा दिया था। फिर उसके बाद क्लास पेरेंट वन क्लास को क्रिएट किया था और पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था और सी आउट पेरेंट वन क्लास को सी आउट करवा दिया था। सिमिलरली हमने पेरेंट टू क्लास को क्रिएट किया था और पेरेंट टू क्लास को सी आउट करवाया था। फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी जो कि पब्लिक इनहेरिट कर रही है पेरेंट वन और पेरेंट टू क्लास की प्रॉपर्टीज को। उसके बाद हमने एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाई थी जो कि क्या कर रही है, पब्लिक के लिए इनहेरिट कर रही है चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को। फिर हमने ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया और फिर उसके बाद सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास किया। मेन फंक्शन में हमने एक चाइल्ड का क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब हम इसकी इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आई हमारे पास। अब ये देखिए, सबसे पहले पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर और फिर चाइल्ड क्लास। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज ये थी मल्टीपल इनहेरिटेंस की कि जो चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल पेरेंट वन और पेरेंट टू क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। इसलिए सबसे पहले वो पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट वन, और फिर उसके बाद पेरेंट टू, और फिर पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर हमारे पास चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर उसके बाद क्या, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये था हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि क्या करता है, क्लास चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास सिंगल एक पेरेंट क्लास होगी और इसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगे। जैसे कि ये क्या, ए क्या है एक पेरेंट क्लास और बी और सी क्या है चाइल्ड क्लास। क्लास चाइल्ड क्लास सी और वन और चाइल्ड क्लास टू बोथ इनहेरिट हो रही है पेरेंट वन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया था मल्टीपल इनहेरिटेंस का और इसमें मैंने एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया था, पेरेंट वन पेरेंट टू चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया था जो कि पब्लिक पेरेंट वन और पेरेंट टू की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा था। अब मैं इधर लिखती हूँ चाइल्ड वन जो कि क्या कर रहा है, पब्लिकली पेरेंट वन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, और इसके सी आउट में भी चाइल्ड वन लिखती हूँ। अब मैं एक और क्लास बनाती हूँ चाइल्ड की, क्लास चाइल्ड, उसको नाम देती हूँ टू और पब्लिक पेरेंट वन, उसके बाद ब्रैकेट और पब्लिक चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसके बाद सी आउट चाइल्ड टू क्लास, चाइल्ड टू क्लास एंडल। इसके बाद क्या कर देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। अब ये देखिए, इधर मैंने चाइल्ड वन क्लास बनाई जो कि पब्लिकली पेरेंट वन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर, और फिर चाइल्ड वन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और चाइल्ड वन क्लास को सी आउट करवा दिए। सिमिलरली मैंने एक चाइल्ड टू क्लास बनाई जो कि पब्लिकली पेरेंट वन की ही प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। क्योंकि पीछे हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि दो चाइल्ड क्लास एक ही सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो
सिमिलरली इधर चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और चाइल्ड टू क्लास को सी आउट करवा दिया। तो ये था हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन इनहेरिटेंस टाइप, जैसे कि मेरे पास एक क्लास ए है जो कि पेरेंट क्लासेस हैं, जो कि पेरेंट क्लास है टू क्लासेस की, क्लास बी और क्लास सी। सिमिलरली क्लास सी पेरेंट क्लास है क्लास डी के, यहाँ पर हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि बेस क्लास हैज मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर क्लास। जैसे कि ये मेरे पास डायग्राम है, इसमें क्या है कि क्लास ए जो कि इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज क्लास बी और क्लास सी से, और क्लास बी और क्लास सी जो है वो किसी सिंगल क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। अब क्लास ए में इधर से भी डाटा जा रहा है और क्लास और सी क्लास की तरफ से भी डाटा जा रहा है। अब हम इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। हम एक क्लास बनाएंगे चाइल्ड की, क्लास चाइल्ड वन, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। चाइल्ड वन कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। उसके बाद हम सी आउट चाइल्ड वन क्लास को प्रिंट करेंगे। और ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। अब इसके बाद हम क्लास चाइल्ड टू क्लास को जनरेट करते हैं। क्लास चाइल्ड टू ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और पब्लिक एसएस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। उसके बाद सी आउट प्रिंट करवाते हैं चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड टू क्लास और एंडल कर देंगे। इसके बाद हम एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास को ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाते हैं। क्लास ग्रैंड चाइल्ड एसएस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। और वो क्या कह रही है कि पब्लिकली इनहेरिट कर रही है चाइल्ड वन क्लास को और चाइल्ड टू क्लास को। फिर हम ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज लगाएंगे और पब्लिक एसएस स्पेसिफायर को यूज करेंगे और ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। चाइल्ड उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे और मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन अब ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ग्रैंड चाइल्ड क्लास
को के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और रिटर्न जीरो सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं। नेम स्पेस एस पी ए सी क्लास चाइल्ड टू स्पेस नहीं देनी। पब्लिक की स्पेलिंग गलत है। इसके बाद ये देखें, इधर हमने कैपिटल को यूज किया था ग्रैंड चाइल्ड, तो इधर भी सी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। इस तरह अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो वो एरर रहेगा। और इस ब्रैकेट्स को क्लोज करें। अब ये देखें, सबसे पहले चाइल्ड वन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और फिर ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो है वो कॉल हुआ है। ये देखें, सबसे पहले ये चाइल्ड वन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फिर उसके बाद क्या है, ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये था हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेथड्स टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। मेरे पास एक लफ्ज है राइट, इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इट कैन बी लेफ्ट और राइट वाला राइट, और इट कैन बी राइट और रॉन्ग वाला लेफ्ट। मतलब एक चीज के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट या मेथड को डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसके टू टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट और मेथड डिफरेंट फॉर्म में होंगे, इन डिफरेंट फॉर्म में से कौन सा फॉर्म हमने पिक करना है, डेट विल बी डिसाइडेड बाय कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम फंक्शन सीइंग थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम इसकी टाइप देख लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग में हम वी कैन डिफाइन अ नंबर ऑफ फंक्शन विद सम फंक्शन विद सेम फंक्शन नेम, दे परफॉर्म डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंट पास। इस आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए कि कितने आर्गुमेंट पास करे, हाउ मेनी आर्गुमेंट पास्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास। इससे ये डिसाइड है कि हम इसमें कौन से आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं और किस टाइप के आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक शेप है, इसमें मैं फंक्शन लेती हूँ एरिया का। ठीक है, इस एरिया फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्कल एरिया या फिर स्क्वायर एरिया या फिर ट्राइंगल एरिया। तो इन सब की एरियाज फाइंड करने का फार्मूला डिफरेंट होगा, बट हम इस फंक्शन को सेम नेम से डिफाइन करेंगे, एरिया को कौन से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और इस किस टाइप के कर रहे हैं। ठीक है, डेट विल बी डिसाइडेड कि कौन से फंक्शन फॉर्म ऑफ फंक्शन कॉल होगा। तो एक चीज के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, उसके इसमें कौन से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और किस टाइप के आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। न्यू फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद हम
एक क्लास बनाते हैं सम की, क्लास सम। उसके बाद पब्लिक कीवर्ड को यूज करेंगे और इसमें हम एक फंक्शंस बनाते हैं, void sum, void add, int x और int y। अब उसमें हम ये जो इंट एक्स और इंट वाई है इनको सम करते हैं। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन और सी आउट सम और एंड कर देंगे। इधर क्या किया है कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाया और इसमें दो आर्गुमेंट्स को पास किया, और फिर एक्स और वाई, और फिर जो आर्गुमेंट पास किया एक्स और वाई उनको सम किया और सी आउट में सम को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे और इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे फ्लोट आर्गुमेंट, फ्लोट टाइप के, void add float x and float y। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड float sum इज इक्वल टू x प्लस y सेमी कॉलन और सी आउट सम और एंटर कर देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस पर क्या किया हमने, एक और फंक्शन बनाया है जो कि फ्लोट आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं, और इसमें हम एक्स और एक्स प्लस वाई को सम कर देंगे और वो और सी आउट करवा देंगे। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हम एक सम जो कि हमारे क्लास का नाम था सम, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एस, और इधर कर दिए एस डॉट एड टू आर्गुमेंट्स। ऊपर जो हमने जो फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन किया था इंट एक्स और इंट वाई को, इसमें हम मेन ऑब्जेक्ट में लिखेंगे और टू आर्गुमेंट्स को पास कर देंगे जो कि क्या है, टू और थ्री। सिमिलरली हम एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे एस एड फ्लोट 2.3 एंड ब्रैकेट फ्लोट टू पॉइंट सेवन और ब्रैकेट आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन और रिटर्न जीरो कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सेव करते हैं। और इसको रन करेंगे। क्लास सम, उसके बाद पब्लिक कीवर्ड का यूज किया, वॉइड एड इंट एक्स और इंट वाई, और फिर हमने सम किया है एक्स प्लस वाई को सम किया है, इंटीजर डेटा टाइप के थे उसको सम किया और सी आउट करवा दिया। इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम फ्लोट आर्गुमेंट्स को पास करेंगे, एक्स प्लस वाई का सम हम फ्लोट में स्टोर कर देंगे और फिर हम सी आउट सम और इनका सम को सी आउट करवा देंगे। सिमिलरली हमने इधर क्या लिखा है,
मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शन, और सम जो है जो क्लास का नेम है वही सम इधर डिफाइन करूंगी, और इसका और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी, और एस डॉट एड टू थ्री जो ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया था उसमें आर्गुमेंट्स को पास कर दूंगी, और फिर एस डॉट एड फ्लोट 2.3 एंड फ्लोट 2.0 और रिटर्न। ये देखें ये इधर बांध किया हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं। इसमें क्या एरर है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर पब्लिक क्लास सम। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, क्लास सम ब्रैकेट फिर पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। तो पब्लिक वॉइड एट इंट एक्स एंड इंट वाई और इंट सम इज इक्वल टू पब्लिक इसमें स्पेस देंगे एक्स और वाई में, और सिमिलरली हम नीचे भी चेक कर लेते हैं स्पेस दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ओके अब हम इसको रन करते हैं। सी आउट ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एट एंड ऑफ इनपुट ये क्या एरर आ रहा है, एरर एक्सपेक्टेड ब्रैकेट क्लोज एट एंड ऑफ इनपुट सम एस और एस डॉट एड फ्लोट 2.3 और 2.3 और 2.7 फिर क्या आ जाएगा सेमी कॉलन और रिटर्न 0। अगर हम इसको इस तरह लिखे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.3f कॉमा और 2.7f और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एक ब्रैकेट आनी। अब रन करते हैं। तो ये सम का जो एस है कैपिटल होना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर जो सम जो हमारा फंक्शन डिफाइन किया है वो क्लास डिफाइन किया है उसका सम जो है वो कैपिटल है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें हमें हमारे पास क्या आ गया 5.5 आउटपुट में क्या आ गया 5.5। उसने 2+3 को ऐड किया तो 5 वैल्यू दे दी और जब फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड किया तो क्या आया है इसमें भी 5 आ रहा है। यस इसमें भी 5 आएगा। तो ये था हमारे पास आउटपुट पॉलीमॉर्फिज्म की आउटपुट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सम क्लास को जनरेट किया है उसमें हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है इंट एक्स और इंट वाई को, दो आर्गुमेंट्स को पास किया है, उन आर्गुमेंट्स को प्लस करके हम सम में स्टोर कर देंगे और उसका सम सी आउट ले लेंगे। अब उसके बाद हमने एक और फंक्शन को डिफाइन किया फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई जो कि फ्लोटिंग वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब एक्स प्लस वाई में वो वैल्यूज को ऐड करेगा और सम करके वो इसमें फ्लोट में दे देगा स्टोर कर देगा। अब सी आउट सम उसका सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम मेन फंक्शन को बनाया। मेन फंक्शन में हमने सम जो हमारी क्लास का नेम होगा वही हम मेन फंक्शन में उसी क्लास को लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देंगे और एस डॉट एड टू थ्री जो आर्गुमेंट फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन किया था उसकी वैल्यू को पास करेंगे। फिर हमने फ्लोट की वैल्यू को पास की तो रिटर्न 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जैसे कि हम कंकेटिनेशन करते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी दो चीज को कंबाइन करने के लिए हम कंकेटिनेशन का यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमने स्ट्रिंग कैपिटल वर्ड्स को ऐड करना हो या स्मॉल वर्ड्स को ऐड करना हो तो हम उसके लिए भी क्या कंकेटिनेशन का यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम इसका एक कोड देख लेते हैं कि हाउ ये कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं क्लास काउंट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें एक प्राइवेट असेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं प्राइवेट कीवर्ड को यूज करते हैं और इसमें क्या है इंट एन और ब्रैकेट सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद हम पब्लिक में काउंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। काउंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और उसको इनिशियलाइज करवा दिया जीरो के n इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं void show और उसमें क्या cout जो ऊपर हमने ये इनिशियलाइज करवाया n इज इक्वल टू जीरो उसको प्रिंट करते हैं सॉरी एन आएगा और एंडल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ऑपरेटर ओवरलोड किसी भी ऑपरेटर ओवरलोड को करने के लिए हम क्लास में एक स्पेशल मेंबर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं इधर void ऑपरेटर प्लस प्लस और साथ पैरेंथेसिस लिख दूंगी उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एन इज इक्वल टू एन प्लस वन उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन आ जाएगा। ठीक है अब किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम क्लास में एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ये मेंबर फंक्शन कीवर्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं जैसे कि ये देखें void ऑपरेटर प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। अब इस सिंबल के साथ जैसे कि ओवरलोड करना हो उस सिंबल के साथ करते हैं जिसे हमने ओवरलोड करवाना हो। ठीक है जैसे कि इधर void ऑपरेटर प्लस प्लस ये क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है इसमें। अब ये जो एन इज इक्वल टू एन प्लस वन है एन की वैल्यू क्या है मेरे पास जीरो। ठीक है और जब मैं इसमें पुट करूंगी तो जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन तो वो आउटपुट में क्या शो कर देगा वन। ठीक है अब ये जो डाटा मेंबर है void ऑपरेटर प्लस प्लस ये बता रहा है कि अगर किसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाए तो वो ऑपरेटर क्या करेगा वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट का इजाफा कर देगा। ठीक है उसके बाद मैं मेन फंक्शन लिखूंगी इंट मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज उसके बाद क्लास का नेम काउंट और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ऑब्जेक्ट सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो सेमी कॉलन और फिर हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ क्योंकि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो इसलिए फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो ये ऊपर आएगा शो के साथ
रिटर्न जीरो कर देंगे, इधर भी सेमी कोलन आना है, रिटर्न जीरो सेमी कोलन और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। इसमें क्या रहा है, प्राइवेट क्लास काउंट प्राइवेट इंटेंट और पब्लिक, पब्लिक में हम ये मोड यूज करते हैं नॉट सेमी कोलन, और ये जो सी है ये कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एन इज इक्वल टू जीरो। अब हम रन करते हैं और ये भी कैपिटल होना चाहिए सी, और इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे, कर्ली ब्रेक। तो अब देखें सबसे पहले मेरे पास क्या था, जीरो। जब मैं इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज नहीं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। और जब मैंने वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीमेंट का यूज किया है तो उसने मुझे क्या दिया, सबसे पहले तो इधर मेरे पास एन की वैल्यू जीरो थी, एन की वैल्यू जीरो थी, तो जब मैं इसको इस फंक्शन को जब मैं ऑपरेटर का यूज नहीं करूंगी तो इसको रन करूंगी तो मेरे पास पहले n इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब मैंने void operator plus plus का यूज किया है तो वो मुझे इंक्रीमेंट करके दे देगा। void operator बता रहा है कि अगर किसी एक क्लास में ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाए तो वो ऑपरेटर क्या करेगा कि वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर देगा। जैसे पहले मेरे पास n की वैल्यू जीरो आई थी और अब वो n इज इक्वल टू प्लस कर रहा है, n की वैल्यू 1 कर रहा है, फिर इसी तरह n की वैल्यू 2 करेगा, मतलब डिजिट्स में इजाफा करता जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो ये फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब इसके बाद हमारे पास आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को रिजॉल्वड एट रन टाइम, हम इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग तब होती है जब पेरेंट चाइल्ड क्लास डिफाइंस अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट क्लास में मेरे पास कुछ फंक्शन है और वही सेम नाम का फंक्शन मेरे पास चाइल्ड क्लास में है। अब इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डेट इज ओवरराइडिंग फंक्शन। इसका कोड कर लेते हैं फिर ही आपको समझ आएगी इसकी। हम सबसे पहले हेडर फाइल का यूज करेंगे, हैश इंक्लूड iostream, hash include iostream using name space std, उसके बाद हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, क्लास पेरेंट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर हम इसमें एक void print का फंक्शन बनाएंगे, void print, void print का फंक्शन बनाएंगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और फिर सी आउट, पेरेंट क्लास और एंटर कर देंगे। इसके बाद हम एक void show का फंक्शन बनाएंगे, void show जो क्या करेगा पेरेंट क्लास को प्रिंट कर देगा, cout, parent class और enter कर देंगे। इसके बाद मैं एक child class बनाती हूँ, class
चाइल्ड जो क्या कर रहा है कि पब्लिक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद पब्लिक और वॉइड प्रिंट। अब देखें जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किए हैं वही फंक्शन इसमें लिख देंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है वो भी बताती हूँ मैं आपको। सी आउट चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास उसके बाद क्या हो एंडन, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और वॉइड शो का फंक्शन आ जाएगा। वॉइड शो और सी आउट चाइल्ड क्लास और एंड लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और क्लास कौन सी बनाई थी, पेरेंट, और इसको हम पॉइंटर कर देंगे। पी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, पेरेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और चाइल्ड सी का। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन, और इसके बाद भी सेमी कॉलन आएगा। फिर हमने इधर क्या किया है कि पी इज इक्वल टू एम्परसेंट सी। अब मैंने इधर क्या किया था कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और रन टाइम पे मैंने इसको ओवरलोड, इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल को ओवरलोड कर दिया। इसके बाद पी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए और पी क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट को, और जो पी है सेकंड पी वो किसको प्रिंट कर रहा है, शो फंक्शन को, क्योंकि हमने ऊपर दो फंक्शन बनाए थे ना, सॉरी दो फंक्शन बनाए थे, तो ये किसको शो कर रहा है, शो फंक्शन को। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इधर लिख देती हूँ कि ये क्या है, कॉल्स, ये कॉल्स कर रहे हैं चाइल्ड पेरेंट को ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म और ये क्या कर रहे हैं, कॉल्स पेरेंट शो को पेरेंट शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट वर्चुअल, इट्स नॉट वर्चुअल। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या किया इसमें। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उसमें क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया प्रिंट वॉइड प्रिंट को और पेरेंट क्लास को सी आउट करवा दिया। उसके बाद एक और फंक्शन को कॉल किया जो कि क्या वॉइड शो का, और उसने पेरेंट क्लास को कॉल किया। इसके बाद हमने क्या किया है कि एक चाइल्ड क्लास बनाई जो कि पब्लिक इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की, और इसमें जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा है void print का और void show का, ये हमने इसमें लिख दिया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इधर void print के साथ हम virtual keyword का यूज करेंगे, पेरेंट, इसके बाद क्या आ जाएगा पब्लिक, हम इधर virtual keyword का यूज करेंगे। ये क्या करेगा virtual, अब इधर वर्चुअल डिसाइड करेगा रन टाइम पे कि कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है।
ये वर्चुअल कीवर्ड डिसाइड करेगा कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट क्लास सी आउट में पेरेंट क्लास आ जाएगी और वर्चुअल में पेरेंट क्लास आ जाएगी। इसके बाद हमने चाइल्ड क्लास में पेरेंट, ये जो दो फंक्शन ऊपर डिफाइन किया वही फंक्शन हमने इधर लिखे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने ऊपर वाले में वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया है कि रन टाइम पे ये डिसाइड करके कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, void show फंक्शन को कॉल करना है या फिर void print फंक्शन को कॉल करना है, ये वर्चुअल कीवर्ड यूज करेगा। उसके बाद मेन फंक्शन में आके हमने पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। पेरेंट फंक्शन में चाइल्ड क्लास प्रिंट हो रहा है, पेरेंट फंक्शन में चाइल्ड क्लास प्रिंट हो रहा है, हमने रन टाइम पे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया था चाइल्ड क्लास। प्रिंट के लिए हम चाइल्ड क्लास प्रिंट के लिए चाइल्ड क्लास कॉल हो रहा है और शो के लिए पेरेंट फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। शो फंक्शन के लिए हमने वर्चुअल फंक्शन में डिफाइन किया था, और शो फंक्शन के लिए ये ओवरराइडिंग नहीं हो रहा, जो भी फंक्शन ओवरराइडिंग होगी वो सिर्फ प्रिंट फंक्शन के लिए है। अगर आपने फंक्शन ओवरराइडिंग करनी है तो पेरेंट क्लास में जो फंक्शन नेम से नेम है इससे पहले हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो फंक्शंस ओवरराइडिंग हो जाएंगे। दिस इज वर्चुअल फंक्शंस, और आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की है और इसका फंक्शन क्या है। अब हम इसके बाद देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम जो है वो फंक्शन को ओवरलोडिंग और ऑपरेटर, ये किस कंपाइल टाइम थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर के थ्रू कंपाइल होता है, और जो रन टाइम है वो फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। कंपाइल टाइम में फंक्शन नेम सेम होना चाहिए और रन टाइम में फंक्शन नेम और पैरामीटर दोनों सेम होना चाहिए। कंपाइल टाइम में पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन फंक्शन नेम सेम होने चाहिए। उसके बाद इसकी फास्टर एग्जीक्यूशन है कंपाइल टाइम की, लेकिन रन टाइम की स्लो एग्जीक्यूशन है। इसमें मोर एफिशिएंट मेमोरी चाहिए होती है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, फंक्शन ओवरलोडिंग करवाने के लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवाने के लिए, लेकिन इसमें इतनी मेमोरी की जरूरत नहीं होती रन टाइम में। और कंपाइल टाइम लेस है, और जो रन टाइम है वो सॉरी कंपाइल टाइम लेस नहीं है, ये रन टाइम जो है वो लेस है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड फंक्शन। इट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन विच कैन असेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, मैंने एक क्लास बनाया और इस क्लास में जो डाटा मेंबर है जो कि प्राइवेट है इस क्लास में, लेकिन मेरे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन जो मैं चाहती हूँ कि इस क्लास के डाटा मेंबर को असेस करें, आई कैन मेक दिस फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन। नाउ दिस फ्रेंड फंक्शन विल बी एबल टू असेस ऑल द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। अब मैं इसका एक कोड करती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हेडर फाइल लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नेम स्पेस। अब इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई ए, क्लास ए। उसके बाद इसमें जो मेरा डाटा मेंबर है वो है इंट एक्स, और पब्लिक में क्या है कि क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे ए। हम एक फंक्शन बनाएंगे ए और इसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे वाई नेम का, और फिर हम वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड प्रिंट, और क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स को पास करवाते हैं ए ऑब्जेक्ट ए एम्परसेंट ऑब्जेक्ट, दोनों में स्पेस होनी चाहिए ऑब्जेक्ट।
उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद सी आउट, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को प्रिंट करवाऊंगी, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और एंड, इसके बाद क्या है ब्रैकेट क्लोज, एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था, उसमें क्लास की ऑब्जेक्ट को पास किया था और फिर उसको प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ए एक्स कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स करेंगे और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैं करूंगी प्रिंट प्रिंट डॉट एक्स, उसके बाद रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। अब हम लोग क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास, इसमें मैं इसके बाद क्या करूंगी, फ्रेंड कीवर्ड का यूज करूंगी, फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन एज अ प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद मैं जो void नीचे ये जो फंक्शन लिखा था उसको साथ लिख दूंगी, void print a ampersand obj, और इसके बाद क्या करेंगे सेमी कॉलन लगा देंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा, और फिर हम लोगों ने ये फंक्शंस को बनाएंगे और इसमें क्लास ए के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और ओबीजे डॉट एक्स और इसी आउट करवा देंगे। सिमिलरली जब हमने ऊपर फ्रेंड फंक्शंस को बनाया है और उसमें उसमें प्रिंट फंक्शंस की डेफिनेशन को एज अ लिखा है, जो कि मैंने इधर प्रिंट वर्ड प्रिंट फंक्शन जब मैंने बनाया था तो उसमें जो उसमें आर्गुमेंट पास किए वही मैंने फ्रेंड फंक्शन का कीवर्ड चूज करके उसको वो फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया था वो लिख दिया। अब इसमें क्या है कि जब मैं हमने एक आर्गुमेंट पास किया ऊपर फंक्शंस को क्रिएट करते वक्त, तो इधर मैं एक्स की जगह कोई आर्गुमेंट पास करूंगी, एक्स की जगह कोई वैल्यू पास करूंगी 5 जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सिमिलरली प्रिंट ओबीजे करेंगे ओबीजे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा सेमी कॉलन और रिटर्न 0। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। क्लास सी क्लास ए, उसके बाद ब्रैकेट और इंटेक्स, एक डाटा मेंबर पास किया और पब्लिक पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक आर्गुमेंट को पास किया और फिर एक्स को वाई के इक्वल कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया और फ्रेंड फंक्शन में वॉइड प्रिंट कर दिया और इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने एक वॉइड प्रिंट फंक्शन बनाया और उसमें क्लास ए के ऑब्जेक्ट को पास किया और फिर उसको सी आउट करवा दिया, सी आउट करवाया ओबीजे डॉट एक्स और फिर हमने सी आउट करवा दिया, और मेन फंक्शन लिखा, उसमें मैंने कोई से भी आर्गुमेंट में 5 वैल्यू दी और प्रिंट ओबीजे किया और रिटर्न 0 और एट द एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है।
ओबीजे वॉइड प्रिंट सी आउट ओबीजे डॉट एक्स क्लास ए के बाद हमने ब्रैकेट लगाए फिर इंटेक्स किया इंटेक्स के बाद पब्लिक कीवर्ड का यूज किया और फिर उसमें आर्गुमेंट पास किया ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एक्स को वाई के इक्वल रखा फ्रंट वॉइड प्रिंट ए ओबीजे और उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड प्रिंट का उसमें ऑब्जेक्ट को पास कर दिया क्लास के और फिर उसको सी आउट करवा दिया ओबीजे डॉट एक्स। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन में ए ओबीजे फाइव वैल्यू को पास किया क्रिएटिव पासिंग टू द कंस्ट्रक्टर और फिर प्रिंट ओबीजे और रिटर्न जीरो कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया फाइव। बेसिकली जो एरर आ रहा था वो ये था कि इधर मैंने ना ओ जो है वो कैपिटल नहीं स्मॉल लिखा हुआ था जबकि इधर ओबीजे जो है वो मैंने कैपिटल लिखा हुआ था इसलिए एरर आ रहा था। तो उसने जो मैंने वैल्यू पास की फाइव वो उसने मुझे आउटपुट में दे दी। तो इस तरह फ्रेंड फंक्शन जो नहीं है वो परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है और किसी दूसरे क्लास के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फिर उसके बाद डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है हाइब्रिड हेरेटिकल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है।